हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल यूनिक ट्यूटोरियल। जैसा कि शीर्षक दिखाई दे रहा है, भारत के सभी राज्य। तो भारत संघ में 29 राज्य हैं, 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन्हीं सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले आधे राज्य एक पार्ट में, दूसरे आधे एक पार्ट में, और फिर उसके बाद 7 केंद्र शासित प्रदेश तीसरे पार्ट में। तो हम स्टार्ट करते हैं, आंध्र प्रदेश से स्टार्ट करते हैं। इसमें मैंने इंक्लूड किया है स्थापना का दिन और राजधानी, भाषाएं कौन सी बोली जाती हैं, राजकीय पशु क्या है, राजकीय पक्षी क्या है, कौन सा नृत्य है, मुख्यमंत्री कौन है, पर्यटन के स्थान कौन से हैं, और इतिहास में कैसा कुछ उसका रोल है। तो अभी स्टार्ट करते हैं आंध्र प्रदेश से। तो आंध्र प्रदेश एक राज्य के रूप में 1 अक्टूबर 1953 को मद्रास से अलग करके बनाया गया था। उसके बाद 1 नवंबर 1956 को आंध्र राज्य बना, और अभी 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का विभाजन करके तेलंगाना राज्य बना दिया गया। इसका जो क्षेत्रफल है वो है पूरा 1,60,205 वर्ग किलोमीटर। आंध्र प्रदेश का क्षेत्रफल है। इसकी राजधानी है अमरावती, लेकिन नई राजधानी बनने तक 10 वर्ष के लिए हैदराबाद संयुक्त राजधानी बनी रहेगी। अब बात करते हैं भाषाओं की। तो तेलुगु और उर्दू भाषा यहाँ पर बोली जाती हैं। और राजकीय पशु और पक्षी, राजकीय पशु है काला हिरण, ब्लैक बक, और इंडियन रोलर राजकीय पक्षी है। कुचिपुड़ी नृत्य यहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है, और मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ये था संक्षिप्त डिटेल, संक्षिप्त विवरण। अब मैं बात करता हूँ इसके इतिहास की। तो इस राज्य के और यहाँ के निवासियों की और यहाँ की भाषा, तीनों का नाम आंध्र है, लेकिन बाद में यहाँ की भाषा का नाम तेलुगु हो गया था। आंध्र प्रदेश के लोग आर्य भाषा के लोग हैं, आर्य नस्ल के लोग हैं। जब ये विंध्याचल के दक्षिण की ओर पहुँचे तो इनका मिश्रण गैर आर्य नस्ल के लोगों के साथ हो गया था। 13वीं शताब्दी में आंध्र प्रदेश पर काकतियों का प्रभुत्व था, काकतियों का प्रभुत्व था, और उनकी राजधानी थी वरंगल। 1323 में दिल्ली के तुगलक सुल्तान ने काकतीय शासक को बंदी बना लिया था, और गोलकुंडा के कुतुबशाही सुल्तान ने हैदराबाद के आधुनिक शहर की नींव रखी थी। अब औरंगजेब ने कुतुबशाही सुल्तान को हरा दिया था और आसफ को दक्षिण का गवर्नर नियुक्त किया था। और औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के समय मुगल साम्राज्य जब क्षीण हो गया था, तब आसफ शाह ने निजाम की उपाधि धारण करके अपने को एक अलग शासक घोषित कर दिया। अब मैं बात करता हूँ आंध्र प्रदेश भारत में विशुद्ध भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य है। जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उस समय पे आंध्रवासी लगभग 21 जिलों में बटे हुए थे। उनमें 9 जिले निजाम के राज्य में थे और 12 मद्रास प्रेसिडेंसी में थे। एक आंदोलन के आधार पर 1 अक्टूबर 1953 में मद्रास राज्य के 11 जिलों को मिलाकर एक नया राज्य आंध्र बनाया गया, जिसकी राजधानी कर्नूल थी। कर्नूल राजधानी थी। अब राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में 1 नवंबर 1956 को क्या हुआ था कि भूतपूर्व निजाम के राज्य के 9 जिले मैंने बताए थे वो आंध्र में जोड़ दिए गए थे, और निजाम की भूतपूर्व राजधानी हैदराबाद को आंध्र राज्य की राजधानी बना दिया गया था। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर विधानसभा में 175 सीट हैं, लोकसभा की 25 सीट हैं और राज्यसभा की 11 सीट हैं। यह है यहाँ का प्रशासन। एक विधानमंडल है यहाँ पर, और जिले टोटल इसमें जो जिले हैं वो जिलों की संख्या है 13 इसमें जिलों की संख्या है। अभी फिलहाल 13 जिले हैं। अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो राज्य में 102 विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्र मतलब स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन है, और 62% लोग हैं वो खेती पर निर्भर है। 62% लोग हैं खेती पर निर्भर है। पर्यटन की बात करते हैं हम, तो यहाँ पर देखो पर्यटन की बात करें हम
तो तिरुपति का मंदिर, भद्राचलम का श्री राम मंदिर, मल्लिकार्जुन मंदिर, अहोबलम मंदिर, चार मीनार, बिड़ला मंदिर। चार मीनार पूछा गया है कहाँ है, तो ये हैदराबाद में है, ये छोटे एग्जाम में MTS वगैरह में पूछा जा चुका है काफ़ी बार। ऐतिहासिक स्मारकों की दृष्टि से आंध्र प्रदेश बहुत समृद्ध है और यहाँ बहुत सारे मंदिर हैं। ये तिरुपति का मंदिर है, चित्तूर जिले में है। यहाँ यह जो मंदिर है, यह वेंकटेश्वर का मंदिर है और यह मंदिर तिरुमला पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। भद्राचलम का श्री राम मंदिर है, श्रीशैलम का मल्लिकार्जुन मंदिर है, और भी देखने योग्य स्थान है। ये चार मीनार है, हैदराबाद में 1591 में बनी थी। इसके अलावा यहाँ बता चुका हूँ मैं, मुख्यमंत्री है एन चंद्रबाबू नायडू। अब मैं बात करता हूँ दूसरे राज्य की ओर बढ़ते हैं, तो दूसरा राज्य है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश की स्थापना हुई थी 20 फरवरी 1987। असम के एक भाग को 1972 में केंद्रीय क्षेत्र बनाया गया था। अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्रफल है ये उससे थोड़ा छोटा है, तो 83,743 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। इसकी राजधानी है ईटानगर और इसमें 18 जिले हैं। जनसंख्या है, अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या है 13,83,727। और यहाँ पर भाषाएं बोली जाती हैं, मोम्पा, अका, मिजी, निसी, अपतनी, हिल, मिरी, ये सारी यहाँ पे भाषाएं बोली जाती हैं। इसके अलावा वांगचू बोली जाती है, मिजी, खमपटी, तंगसा, बहुत सारी भाषाएं यहाँ पर बोली जाती हैं। यहाँ की साक्षरता दर है 66.95% यहाँ की साक्षरता दर है। और यहाँ का जो राजकीय पशु है वो है मिथुन और राजकीय पक्षी है ग्रेट हॉर्नबिल। पर्यटन की अगर हम बात करें तो ईटा किला के अवशेष पर्यटन के लिए हैं, और ईटा किला के अवशेष और तवांग में प्राचीन बौद्ध मठ पर्यटन केंद्र हैं। इसके अलावा नंदपा वन्यजीव विहार मुख्य पर्यटक केंद्र हैं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, पेमा खांडू। अब मैं इतिहास की बात करूँ थोड़ा हा, तो अरुणाचल प्रदेश को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नेफा कहा जाता था। नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नेफा कहा जाता था। 1948 में संघ सरकार के प्रशासनाधीन आया और 20 जनवरी 1972 को अरुणाचल प्रदेश के नाम से संघ शासित बना दिया गया। फिर दिसंबर 1956 में भारत संघ में एक नया राज्य बना, राज्य बनाइए दिसंबर 1986 में। इसमें 16 जिले हैं, उसके बाद 2 जिले और बढ़ा दिए गए थे, तब 18 जिले हो गए थे। और ईटानगर का नाम ईटा किले पर पड़ा था, इसका अर्थ ईटों का किला है, और 14वीं शताब्दी में ये बनाया गया था, ईटा का किला। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। यहाँ पर विश्वविद्यालय है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल विश्वविद्यालय ये ईटानगर में है। अब हम आगे बढ़ते हैं तो असम की ओर बढ़ते हैं, तीसरा है असम। असम की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950, और असम की राजधानी है दिसपुर। क्षेत्रफल है 78,438 वर्ग किलोमीटर। यहाँ पर 33 जिले हैं, और इसके बाद यहाँ का जनसंख्या घनत्व है 397, और भाषाएं बोली जाती हैं, एक तो असमिस बोली जाती है, यहाँ पर असमिया भाषा बोली जाती है। और राजकीय पशु और पक्षी की बात करें तो एक सींग वाला गैंडा राजकीय पशु है, और राजकीय पक्षी है सफ़ेद पंखों वाली बतख। अभी अगर हम बात करते हैं पर्यटन की, तो पर्यटन में पर्यटन हाल में ही यहाँ पर आरंभ हुआ है। भारत सरकार ने इस राज्य के लिए 2 यात्रा परिपथों की मंजूरी दी है, एक तो गुवाहाटी काजीरंगा शिवसागर और गुवाहाटी में मानस। तो काजीरंगा और मानस 2 पर्यटन हैं यहाँ पर। नृत्य, बिहू नृत्य यहाँ का फेमस नृत्य है,
और मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। अब हम बात करते हैं बिहार की। तो बिहार की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1947 को और प्रांत बना था ये 26 जनवरी 1950। बिहार का क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर और राजधानी है पटना। यहाँ पर हिंदी भाषा बोली जाती है और अगर बोली की बात करें तो भोजपुरी यहाँ पर बोली जाती है और 38 जिले हैं यहाँ पर। इसके बाद राजकीय पक्षी है गोरिया और गोर राजकीय पशु है। यहाँ की 3/4 जनसंख्या कृषि और पशुपालन संबंधी व्यवसाय पर निर्भर है और सिंचाई नहर तालाब तालों और नलकूपों से सिंचाई की जाती है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ नया राज्य बना था 2000 में, 1 नवंबर 2000 को नया राज्य बना था। इसका क्षेत्रफल है 1,36,034 वर्ग किलोमीटर। राजधानी है रायपुर और यहाँ पर हिंदी भाषा बोली जाती है। 27 इसमें जिले हैं और राजकीय पशु और पक्षी की बात करें तो पहाड़ी मैना राजकीय पक्षी है और जंगली भैंसा राजकीय पशु है। इसमें नए जिले जोड़े गए हैं सुकमा, कोंडगांव, गरियाबंद, बलौदा, बाजार, बलौदा, मुंगेली, सुराजपुर और बलरामपुर। भोरमदेव का मंदिर यहाँ पर देखने लायक जगह है, देखने योग्य स्थान है। और इसके बाद भिलाई स्टील प्लांट है, यहाँ पर देखने लायक है भिलाई स्टील प्लांट। और मुख्यमंत्री यहाँ के हैं भूपेश बघेल। अब हम बात करते हैं गोवा की। पर्यटन की दृष्टि से सबसे ही अच्छा और सबसे आप कह सकते हो कि लगभग बहुत सारे पर्यटक विदेशों से भी आते हैं यहाँ पर देखने के लिए। गोवा की स्थापना हुई थी 30 मई 1987 और पणजी इसकी राजधानी है। इसका क्षेत्रफल है 3,702 वर्ग किलोमीटर। 29 राज्यों में सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य है। 3,702 वर्ग किलोमीटर इसमें इसका क्षेत्रफल है और कोंकणी और मराठी यहाँ पर बोली जाती है। 2 जिले हैं यहाँ। अभी साक्षरता दर इसमें है 87.40% साक्षरता दर है। 12 अगस्त 1987 तक गोवा संघ शासित प्रदेश था। जो संघ शासित प्रदेश गोवा था वो दमन और दीव का एक भाग था। 12 अगस्त 1987 को संसद में पास किए गए अधिनियम के अनुसार गोवा भारत संघ का 25वां राज्य बन गया था और दमन और दीव संघ शासित प्रदेश बने रहे। 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगाली औपनिवेशिक शासन से आज़ाद होने के समय तक गोवा, दमन और दीव एक ही प्रशासन के अधीन रहे हैं। अगर हम इसके इतिहास की बात करें तो संश्लेषण के लिए विख्यात गोवा का इतिहास है वो 3री शताब्दी में मौर्य साम्राज्य के समय से मिलता है। 1471 से लेकर 20 साल तक गोवा बहमनी शासकों के अधीन रहा था और उसके बाद 1489 में बीजापुर के आदिल शाह ने इसे अपने अधीन में किया था। पुर्तगाली शासक गवर्नर अल्बुकर्क ने बीजापुर के आदिल शाह से 25 नवंबर 1510 में गोवा छीन लिया था। अल्बुकर्क ने उसी दिन गोवा को सेंट कैथरीन को समर्पित कर दिया था। अब मैं बात करता हूँ, यहाँ पर 2 जिले हैं, उत्तरी गोवा और दक्षिणी गोवा। उत्तरी गोवा का मुख्यालय है पणजी में और दक्षिण गोवा का मुख्यालय है मडगांव में। मनोहर पर्रिकर मुख्यमंत्री हैं और यहाँ पर गोवा विश्वविद्यालय है। पर्यटन की अगर हम बात करें तो गोवा का प्रमुख उद्योग बनता जा रहा है पर्यटन की दृष्टि से। औसतन 10 लाख पर्यटक गोवा में हर साल आते हैं, जिसमें 1.25 लाख गोवा विदेशी पर्यटक आते हैं। इसमें पर्यटन के लिए मुख्य स्थल है पुराना गोवा, जहाँ पर बॉम जीसस का बसीलिका है और जिसमें गोवा के देवदूत सेंट फ्रांस जेवियर का शव सुरक्षित रखा हुआ है। और धर्मस्थान है यहाँ पे, सेंट कैथेड्रल है, असीसी चर्च है। कुछ किलोमीटर दूर एक पोंडा है जहाँ पे मंगेशी शिव मंदिर, शांत दुर्गा मंदिर, नगेशी मंदिर है। पणजी में मंडोवी नदी पर दोनापोला और दूध सागर भरूना बोंडला पशु अभयारण्य है।
ये सारी चीज़ें हैं जो जहाँ पर यहाँ पर देखने लायक जगह है, लेक है और समुद्र है, बीच है। इसके बाद गुजरात की बात करते हैं, तो गुजरात की स्थापना हुई थी 1 मई 1960। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर और इसमें 33 जिले हैं। गुजराती यहाँ पर बोली जाती है और इसके अलावा यहाँ पर 33 जिले हैं। पशु है शेर, राजकीय पशु है भारतीय शेर और राजकीय पक्षी है ग्रेटर फ्लेमिंगो। ये सारी चीज़ें हैं और मुख्यमंत्री है विजय रूपाणी। अगर गुजरात के इतिहास की बात करें तो बंबई पुनर्गठन अधिनियम 1960 के अंतर्गत बंबई राज्य के उत्तरी और पश्चिम भागों में, जिसमें गुजराती भाषा लोगों की प्रधानता है, उसको मिलाकर गुजरात का निर्माण 1 मई 1960 को किया गया था। इसके बाद इसमें गुजरात राज्य के भूतपूर्व बंबई राज्य के निम्नलिखित जिले इसमें संबंधित हैं, मतलब मैं बताता रहा हूँ कौन कौन से जिले हैं। एक तो बनास कंठा है, पहला जिला है बनासकंठा। मेहसाणा, मेहसाणा एक भैंस की नस्ल भी है, मेहसाणा। इसके अलावा साबरकंठा, अहमदाबाद, कैरा, पंचमहल, बड़ोदरा, भड़ोच, सूरत, अमरेली, सुरेंद्र नगर, राजकोट, जामनगर, जूनागढ़, भावनगर, कच्छ, गांधीनगर और वलसाड। अब बात करता हूँ मैं इसके अलावा यहाँ पर जो नमक बनाने वाला प्रमुख राज्य है गुजरात, और देश में नमक के कुल उत्पादन का 60% इसी राज्य में होता है। ये बात आपको, जो छोटी छोटी बातें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है, ताकि मतलब ये बातें आप नोट भी कर सकते हैं। और मैं लास्ट में एक बुक का नाम बताऊंगा, उसको आप रखें, और उसमें लगभग बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके काम आने वाली चीज़ें हैं, उसी बुक से नोट्स बनाए गए हैं। तो ये प्रमोशनल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं, अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो वो बुक ख़रीद सकते हैं। इसके अलावा अब हम पर्यटन केंद्र की बात करें तो 4 राष्ट्रीय उद्यान हैं, 11 पशु पक्षी अभयारण्य हैं, गिर पशु विहार, द्वारका, सोमनाथ, पालीताना के मंदिर, लगभग 2000 फुट ऊंची शत्रुंजय पहाड़ी पर जैन मंदिरों का सुंदर पहाड़ी शहर है, और भारत में पारसियों का सबसे प्राचीन अग्नि मंदिर है। लोथल जो गुजरात में है, लोथल ये सिंधु सभ्यता में 5000 वर्ष पुराने पुरातात्विक अवशेष हैं। मोधेरा में 11वीं शताब्दी का सूर्य मंदिर है। नल सरोवर में पक्षी विहार है। अहमदाबाद में भारतीय मुस्लिम के वास्तु स्मारक और अन्य स्थान हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद हरियाणा की बात करते हैं। हरियाणा की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को, पंजाब से अलग करके बना था। इसका क्षेत्रफल है 44,212 वर्ग किलोमीटर, और इसकी राजधानी है चंडीगढ़। हरियाणा और पंजाब की संयुक्त राजधानी है चंडीगढ़। यहाँ पर हिंदी भाषा बोली जाती है, और अगर हम बोली की बात करें तो हरियाणवी बोली जाती है। जिले 22 जिले हैं, और इसके अलावा पशु और पक्षी, काला हिरण ब्लैक बक यहाँ राजकीय पशु है, और काला फ्रेंकोलिन काला तीतर राजकीय पक्षी है। आपको ध्यान होगा जब मैं पहला था आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का भी राजकीय पशु काला हिरण था, तो वो आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा यहाँ पर पर्यटन बहुत ही, पर्यटन के बहुत सारे जगह हैं। आप कुरुक्षेत्र जा सकते हो, इसके अलावा कुरुक्षेत्र के अलावा आप सोना जा सकते हो, सोना में गर्म पानी का चश्मा है, वहाँ पर जा सकते हो, चर्म रोग के लिए महत्वपूर्ण है। और आप नारनौल की साइड जाओगे तो नारनौल में बीरबल का छत्ता है। भिवानी है, भिवानी छोटी काशी बोला गया है भिवानी को। और यहाँ विश्वविद्यालय है, काफ़ी विश्वविद्यालय है यहाँ पर। MDU है, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, KU है, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, CDLU है, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी, और इसके अलावा फिर GJU है, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी, और मीरपुर यूनिवर्सिटी है रेवाड़ी में, मीरपुर यूनिवर्सिटी। ये विश्वविद्यालय हैं। इसके अलावा
मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर, जो बीजेपी से हैं। पर्यटन के केंद्र और भी हैं, राजहंस, बड़खल लेक, सूरजकुंड, डबचिक, सुल्तानपुर, 32 पर्यटक कॉम्प्लेक्स हैं, 32 हैं। और हरियाणा में इस समय कुल मिलाकर 1,20,000 से अधिक छोटे पैमाने के औद्योगिक कारखाने हैं तथा 1,354 बड़े और मध्यम दर्जे के औद्योगिक कारखाने हैं। हरियाणा पहला ऐसा राज्य है जहां हर गांव में बिजली है, और गुड़गांव भारत का एक प्रमुख आईटी हब है, गुड़गांव जो दिल्ली के पास में है। अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1971 को, और हिमाचल प्रदेश की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1971 को। और इसके अलावा इसका क्षेत्रफल है 55,673 वर्ग किलोमीटर। राजधानी शिमला है, शिमला एक बहुत ही पर्यटन केंद्र है, और यहाँ पर हिंदी, डोगरी, पहाड़ी भाषाएं बोली जाती हैं। 12 जिले हैं, हिम तेंदुआ और ट्रैगोपान राज्य के पशु और राज्य के पक्षी हैं, हिम तेंदुआ और पश्चिमी ट्रैगोपान। और मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर, मुख्यमंत्री हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ इतिहास की बात करें तो 15 अगस्त 1948 को पंजाब की 30 पहाड़ी रियासतों को मिलाकर एक हिमाचल प्रदेश नामक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। 1951 में इसे भाग गए, 1951 में राज्य बनाया गया और इसे एक लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधीन किया गया। फिर यहाँ पर 36 सदस्य वाली विधानसभा और 3 मंत्री वाला मंत्रिमंडल बनाया गया। 1954 में फिर एक अन्य राज्य बिलासपुर को हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया। 1966 तक हिमाचल प्रदेश में 6 पहाड़ी जिले थे, मंडी, चंबा, सिरमौर, बिलासपुर, किन्नौर और महासू। 1966 में नवंबर में पंजाब का कुछ पहाड़ी क्षेत्र शिमला, कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल और स्पीति जिले को अम्बाड़ा जिले की नालागढ़ तहसील में गुरदासपुर जिले के कुछ भाग हिमाचल प्रदेश में मिलाए गए। उसके बाद फिर 10 जिलों में गठित किया गया और 25 जनवरी 1971 को इसे राज्य का दर्जा प्रदान किया गया और शिमला इसकी राजधानी घोषित की गई। ये एक इतिहास था हिमाचल प्रदेश का। पर्यटन की बात करें तो यहाँ पर हिल स्टेशन है, बहुत सारे पर्वतीय स्थल हैं, शिमला, डलहौजी, धर्मशाला, कुल्लू, कसौली, कुफरी, इस तरह से कुछ पर्वतीय स्थल हैं। और वन्य जीवों की दृष्टि से बहुत समृद्ध है यह। यहाँ पर दुर्लभ किस्म के वन्य जीव मिलते हैं, कस्तूरी हिरण पाया जाता है, लंबे सींग वाला जंगली बकरा यहाँ मिलता है, थार बकरी और हिमालय का भूरा भालू, ये सारे हैं। ट्रैगोपान है, कोकियास है और भी काफ़ी चीज़ें हैं। वीरभद्र जयराम ठाकुर, वीरभद्र सिंह पहले थे मुख्यमंत्री, अभी फिलहाल जयराम ठाकुर हैं। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर सबसे उत्तर में और भारत का मुकुट कहा गया है जम्मू कश्मीर को। इसकी स्थापना हुई थी 26 अक्टूबर 1947 को, और यहाँ का क्षेत्रफल है 2,22,236 वर्ग किलोमीटर, जम्मू कश्मीर का क्षेत्रफल है। इसकी राजधानी है, गर्मी में श्रीनगर है और सर्दी में जम्मू इसकी राजधानी है। यहाँ पर उर्दू, कश्मीरी, डोगरी, लद्दाखी बोली जाती है और 22 इसमें ज़िले हैं। जनसंख्या घनत्व है 56 और साक्षरता दर है 68.74%, यहाँ पर साक्षरता दर है। भारत के उत्तरी कोने पर है और इसके उत्तर में, उत्तर की तरफ यहाँ पर चीन है, जैसे इस तरह से है, इस तरह से भारत का नक्शे में ये जम्मू कश्मीर का भारत है, मतलब भारत का जम्मू कश्मीर है, और इसके उत्तर में चीन है, पूर्व में तिब्बत है, दक्षिण में हिमाचल प्रदेश है, नीचे हिमाचल प्रदेश है, और उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान है, यहाँ अफगानिस्तान है, और यहाँ पर पश्चिम में पाकिस्तान है। यहाँ की भाषा उर्दू है, वैसे इसमें बोली जाने वाली भाषाएं कश्मीरी, डोगरी, लद्दाखी ये बोली जाती हैं। सबसे पहले जम्मू कश्मीर में
हिंदू राजाओं ने राज किया था, उसके बाद मुस्लिम शासकों ने शासक किया था। अकबर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य का अंग बन गया था ये, और 1756 के आरंभ में अफगान शासक के बाद 1819 में इसे पंजाब के सिख राज्य में मिलाया गया था। 1846 में रणजीत सिंह, महाराज रणजीत सिंह ने जम्मू प्रदेश महाराजा गुलाब सिंह को दे दिया था, और 1846 में सोबराव के निर्णायक जो युद्ध हुआ था वो अमृतसर की संधि के अधीन कश्मीर भी महाराजा गुलाब सिंह को दे दिया था। उसके बाद 1947 में भारत सरकार अधिनियम 1947 में पास होने तक यह जो राज्य था ये ब्रिटिश के अधीन रहा था, और उसके बाद फिर स्वाधीनता के बाद सभी रियासतों ने भारत या पाकिस्तान में मिल जाने का फैसला किया था, लेकिन कश्मीर रियासत ने क्या वह भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ संबंध रखने के करार चाहता है। इस बीच इस राज्य पर पाकिस्तान ने आक्रमण किया और कश्मीर के महाराजा ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर भारत का एक अंग बन गया। महाराज के पुत्र थे युवराज कर्ण सिंह 1950 में प्रतिशासक जो रीजेंट बने थे, और उन्हें अनुवंशिक शासक की समाप्ति 17 अक्टूबर 1952 पर उन्हें सदर रियासत पद की शपथ दिलाई गई थी। उसके पिता की मृत्यु हो गई थी 26 अप्रैल 1961 में। कर्ण सिंह भारत सरकार ने महाराजा के रूप में मान्यता दे दी, लेकिन कर्ण सिंह ने निर्णय लिया कि वह महाराजा की उपाधि का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये सब कुछ छोटी सी कहानी थी जम्मू कश्मीर की। इसमें 22 जिले हैं, और अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर राज्यपाल शासन है, महबूबा मुफ्ती की सरकार ख़त्म हो गई है, मतलब उसके बाद राज्यपाल शासन है, और पर्यटन के लिए तो यह एक स्वर्ग कहा गया है, आकर्षण का जो मुख्य केंद्र है श्रीनगर है, पहलगांव है, गुलमर्ग सोनमर्ग ये पर्यटन के केंद्र है। तीर्थ स्थान भी अमरनाथ और वैष्णो देवी है, लोग वैष्णो देवी के लिए जाते हैं, अमरनाथ के लिए जाते हैं। अब मैं बात करता हूँ झारखंड की, तो झारखंड छऊ नृत्य यहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है, छऊ नृत्य, और सॉरी मैं यहाँ पर बताना भूल गया, पशु और पक्षी। तो पशु है यहाँ हंगुल हिरण राजकीय पशु है, और राजकीय पक्षी है ब्लैक नेक्ड सार्स है, जिसकी काली गर्दन होती है वो सार्स है। अब बात करते हैं झारखंड की, तो झारखंड की स्थापना हुई थी 15 नवंबर 2000, और झारखंड का क्षेत्रफल है 79,714 वर्ग किलोमीटर। झारखंड की राजधानी है रांची, और झारखंड में 24 जिले हैं, यहाँ पर हिंदी भाषा बोली जाती है, और राजकीय पशु और पक्षी तो हाथी राजकीय पशु है, और पक्षी है कोयल, एशियन कोयल। पर्यटन की अगर हम बात करें तो दासम जलप्रपात यहाँ पर्यटन के लिए बहुत अच्छी जगह है, और मुख्यमंत्री यहाँ के हैं रघुवर दास। और अगर हम बात करें तो 80 के दशक में, मतलब 80s में झामुमो के नेतृत्व में झारखंड में आंदोलन तेज हुआ था, फिर 86 में राजीव की सरकार के निर्देश से झारखंड में एक समिति का गठन हुआ था, और उसने स्वशासी परिषद के गठन की अनुशंसा की थी। अब मैं बात करता हूँ कर्नाटक की, तो कर्नाटक की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1947 को, इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1947 को, मैसूर राज्य बना था मैसूर, और 1 नवंबर 1973 को, 1 नवंबर 1973 को एक नया राज्य बना जिसका नाम पड़ा कर्नाटक। इसका क्षेत्रफल है 191,791 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, और राजधानी इसकी है बैंगलोर, यहाँ पर कन्नड़ भाषा बोली जाती है, कर्नाटक से कन्नड़, और इसमें 30 जिले हैं। राज्य के पशु हाथी है, राज्य के पक्षी है इंडियन रोलर पीछे भी आ चुका है। तो यहाँ पर जो देखने लायक जगह है वो कौन कौन सी है, चलिए उसके बारे में थोड़ी ही चर्चा करते हैं। तो देखने लायक जगह इसमें है, एक तो हम्पी है देखने लायक जगह, हम्पी को हम्पी के मंदिर हैं, और इसके अलावा वृंदावन गार्डन,
मैसूर में है। तो ये सब कुछ यहाँ पर देखने लायक जगह है। अब हम थोड़ा आगे पढ़ते हैं, तो आगे केरल के बारे में पढ़ते हैं। मुख्यमंत्री SD कुमार स्वामी। केरल की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956। अब और यहाँ का क्षेत्रफल है 38,863 वर्ग किलोमीटर। राजधानी है तिरुवनंतपुरम और यहाँ पर मलयालम भाषा बोली जाती है। केरल भारत के इस साइड है, ये जो भारत का नक्शा है इस तरह से नीचे भारत का नक्शा है, तो यहाँ पर ये केरल है, ये तमिलनाडु है, यहाँ ये केरल है। तो यहाँ यहाँ की जो भाषा है वो मलयालम है। 14 इसमें जिले हैं और यहाँ पर की जो साक्षरता दर है वो सबसे ज़्यादा है। साक्षरता दर है यहाँ 93.91%, 93.91% यहाँ पर साक्षरता दर है, एजुकेशन रेट है। छोटा सा राज्य है ये, भारत के दक्षिण पश्चिमी है, ये दक्षिण पश्चिमी कोने पर है और इसका क्षेत्रफल बता चुका हूँ मैं। भारत के कुल क्षेत्रफल का केवल 1.18% भाग है केरल के क्षेत्रफल का। यहाँ पर 1,364 गांव है और 159 कस्बे हैं, टाउन है। विश्वविद्यालय है यूनिवर्सिटी ऑफ कालीकट, कोचिन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मलाबार विश्वविद्यालय, कन्नूर यूनिवर्सिटी ऑफ केरल, तिरुवनंतपुरम केरल, कृषि विश्वविद्यालय, त्रिशूर, महात्मा गांधी विश्वविद्यालय और भी हैं। और पर्यटन की बात करें तो पर्यटन विभाग और केरल पर्यटन विकास निगम की देखरेख में केरल राज्य में अनेक राज्यों को पर्यटन केंद्रों के रूप में विकसित किया गया है। भारत का सबसे साफ सुथरा शहर है तिरुवनंतपुरम, त्रिवेंद्रम बोला जाता है तिरुवनंतपुरम। यह एक अन्य आकर्षक स्थान है। यहाँ पर एक इक्कू इडुक्की जिले में एक टेकड़ी में पेरियार वन्य जीव अभयारण्य है। पत्तनम तिट्टा जिले के सबरीमाला में भगवान अयप्पा का मंदिर है, विख्यात तीर्थ स्थान है अयप्पा का मंदिर। तो मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन। अब मध्य प्रदेश की बात करते हैं हम, तो मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956। केरल की स्थापना भी हुई थी 1 नवंबर 1956 और इसका क्षेत्रफल है 3,08,000 वर्ग किलोमीटर। केरल मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और यहाँ पर हिंदी भाषा बोली जाती है। 51 इसमें जिले हैं। राजकीय पशु है बारहसिंगा और राजकीय पक्षी है फ्लाई कैचर। पर्यटन की अगर बात करें तो सांची का स्तूप यहाँ पर देखने लायक जगह है। सांची का स्तूप, उसके बाद फिर बाघ की गुफाएं, ये यहाँ पर देखने लायक जगह है। यातायात के प्रमुख साधन है रेल, सड़कें हैं और मध्य प्रदेश में सड़कों की कुल लंबाई 91,968 वर्ग किलोमीटर है। वहीं पर यहाँ पर महाकालेश्वर मंदिर भी है उज्जैन में, वो देखने लायक जगह है। इसके बाद हम बात करें तो और भी बहुत सारी दर्शनीय स्थल हैं। बेनी सागर बांध है, 7 किलोमीटर दूर है, और इसके अलावा ग्वालियर का किला है, ओरछा झांसी से 19 किलोमीटर और ग्वालियर से 130 किलोमीटर है। चंदेरी है, रायसेन, राहतगढ़, सांची, भोपाल, भोजपुर, मांडू, धार, इंदौर, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर देखने लायक शहर हैं। और मुख्यमंत्री कमलनाथ है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की स्थापना हुई थी 1 मई 1960। इसकी राजधानी है बम्बई और इसमें 36 जिले हैं। राजकीय पशु है भारतीय विशाल गिलहरी और पक्षी है हरा इम्पीरियल कबूतर, कबूतर हरा इम्पीरियल कबूतर। इसका क्षेत्रफल है 3,07,713 वर्ग किलोमीटर और इसकी राजधानी है मुंबई, बम्बई। यहाँ पर 36 जिले हैं। इसके बाद ये सब कुछ मैं बता चुका हूँ और देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने 15 राज्यों के बारे में पढ़ लिया है। आगे की क्लास में कल पढ़ेंगे।
देखिए आपको इतना सब कुछ मिल रहा है एक राज्य के बारे में, उसका स्थापना का दिन, राजधानी, कितने जिले हैं, भाषाएं, पशु पक्षी, पर्यटन और मुख्यमंत्री। मैं दावा करता हूँ इतना सब कुछ एक ही वीडियो में आपको एक राज्य के बारे में नहीं मिलेगा। और इसके अलावा मैंने पर्यटन के बारे में बताया है, उसके इतिहास के बारे में भी बताया है बहुत कुछ, उसके भूगोल के बारे में बहुत बताया है, अर्थव्यवस्था के बारे में बता चुका हूँ मैं। तो ये सारे सब कुछ एक ही वीडियो में मैं दावा करता हूँ किसी वीडियो में नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। इसके अलावा आप कमेंट कीजिए, आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। और हमारे HCS की क्लास आज से स्टार्ट हो रही है, HCS की, RAS की ऑलरेडी हो चुकी है, और HCS के साथ UPSC IAS के फॉर्म निकल चुके हैं, तो आप उन्हें अप्लाई कर सकते हैं। तो उनके बारे में भी बहुत कुछ आपको यहाँ जानने को मिलेगा। पॉलिटी की क्लास आज से या कल से मोस्ट प्रोबेबली स्टार्ट हो जाएगी, पॉलिटी की क्लास। हिस्ट्री मैंने ऑलमोस्ट कवर करवा दी है, ऑलमोस्ट नहीं पूरी ही कवर करवा दी है। इसके अलावा जियोग्राफी की क्लास स्टार्ट हो रही है, कुछ अभी हो जाएगी और क्लासेस होनी है, और बस पॉलिटी की क्लास आज से स्टार्ट हो जाएगी और आने वाले 1 महीने के अंदर पॉलिटी आपकी कवर हो जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप कमेंट कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, और राज्यों में और क्या चीज़ नई जोड़नी है वो आप बताएं। ये चीज़ें तो हैं ही, इसके अलावा और अलग से आपको क्या चाहिए जो वो आप बता सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी वीडियो को अभी यहाँ पर समाप्त करते हैं, तो मिलते हैं कल पार्ट 2, और तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स और हैव ए नाइस डे।